नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन और अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की न्यूटॉन, जिसे हम सिटी एक्स 9000 इन के अंदर एडिट करने वाले हैं। सो दोस्तों, आजकल आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो नोवेशन मिडी कीबोर्ड की देखी होगी, जिसके अंदर वायलिन जैसी जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो आज हम उसी साउंड को एडिट करने वाले हैं अपने सिटी एक्स 9000 इन के अंदर, और साथ ही में जिन लोगों के पास भी 8000 IN है वो भी सेम तरीके से अपने कीबोर्ड के अंदर टोन को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बार हमें ऐसे कमेंट भी आते हैं कि हम वीडियो के अंदर जिस टोन को प्ले कर रहे हैं वो फेक है, इसलिए मैं आपको विदाउट रिदम भी इन टोन को सुना देता हूं। तो हमने जो स्टार्टिंग में प्ले करी थी स्ट्रिंग एंड हमारी न्यू टोन, काफ़ी प्यारी टोन है। जब आप इसको रिदम के साथ प्ले करते हैं तो बहुत ही प्यारी फील आती है। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट तो आपको वैसी टोन नहीं मिलती है, लेकिन हमने जिस टोन को एडिट कराया है वो आपको मिल जाएगी 245 नंबर पे, स्लो सेलो के नाम से टोन मिल जाएगा। तो इसी टोन को हम मॉडिफाई करेंगे। तो हर बार की तरह जैसे आप कीबोर्ड को ऑन करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपकी डिस्प्ले पे स्टेज पियानो आता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो अभी आपको स्टेज पियानो दिख रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 245 नंबर डायल करते हैं। तो आपको यहाँ पर स्लो सेलो के नाम से एक टोन मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का साउंड करेगा। और इसी टोन को हम जब मॉडिफाई करेंगे तो हमारा साउंड कुछ ऐसा बनेगा। तो आज दोस्तों, एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का बटन दिया गया है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपकी डिस्प्ले पे आ जाएगा अटैक टाइम। इसको आपने बाय डिफॉल्ट 64 नंबर पे ही रखना है। आगे आएंगे यहाँ पर रिलीज टाइम 63 नंबर पे रहेगा, कट ऑफ 64। आगे आएंगे यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ से वॉल्यूम में आएंगे तो वॉल्यूम आप इसका बिल्कुल फुल कर दीजिए 127 नंबर पर। उसके बाद आप आगे आएंगे तो डायरेक्ट आपने यहाँ पर DSP पे आना है। DSP में हम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट DSP ऑफ रहेगा। तो आपने यहाँ से प्लस वाले बटन को प्रेस करके या फिर आप इसको घुमा के इसको ऑन कर सकते हैं। और जैसे आप ये आपका ऑन हो जाएगा, आप यहाँ से 3 नंबर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका DSP आ जाता है। तो DSP आप यहाँ पर काफ़ी सारी देखिए इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जिस DSP का यूज़ करा हुआ है वो आपको मिल जाएगा 21 नंबर पे। तो दोस्तों, इस DSP का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट इफेक्ट मिलता है। तो हम अगर इस DSP का यूज़ करेंगे तो जितने भी इफेक्ट हम बाहर से लगाते हैं वो सभी बाय डिफॉल्ट यहीं पर लग जाएंगे, जिससे हमें टोन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है और ये कभी भी आपका टोन के बाहर से एडिट नहीं होगा। यानी जो इफेक्ट यहाँ पर एडिट हो गया वो आपका परमानेंट रहेगा। आप इस टोन को सिंगल भी कहीं पर शेयर करेंगे तब भी ये टोन सेम तरीके से ही बजेगा। तो इस DSP का यूज़ करके अब देखिए, हमने 21 DSP न्यू एज PN का यूज़ कर लिया। और जैसे आप इसको रखेंगे आपका DSP बन गया। अब आप 4 नंबर से एग्जिट आइए, फिर अगेन आपने यहाँ से बैक आना है। तो डिले सेंड आपका 0 नंबर पे रहेगा, कोर सेंड 0 एंड रिवर्ब भी 0। इसको आपने नहीं बढ़ाना है। आप फिर से एग्जिट करेंगे, प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे, राइट के लिए पूछेगा, फिर से यस करके अब आप एग्जिट हो जाइए। अब आपका जो टोन है दोस्तों प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना हमारा मिक्सर से कुछ एडिट होगा, ना हमारा फंक्शन के इफेक्ट से कुछ एडिट होगा। अब जितना आपका ये टोन बन चुका है, हो सकता है कि आपका यहाँ पर ऑक्टेव लो हो तो आपने एक ऑक्टेव को यहाँ से प्लस कर देना है। ये देखिए U1 को आप +1 पे कर दीजिए। अब आपका जो टोन है हमारी तरफ बजेगा इस तरीके से। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, हमने यहाँ से ऑक्टेव को डायरेक्ट शिफ्ट करा हुआ है इस तरीके से। तो आप इसको अपने हिसाब से जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल बजाते हैं आप ऑक्टेव प्लस माइनस कर सकते हैं। हमारा यहाँ से कंफर्टेबल आ रहा था। और काफ़ी प्यारा टोन है जो कि आप लोगों ने वीडियो के पहले भी सुना होगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने पिछली वीडियो में स्ट्रिंग एडिट नहीं करी हुई है तो आप चाहते इस वीडियो के अंदर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, किसी और बैंक में जाइए, यानी कोई और टोन
वहाँ पर आपने सबसे पहले 225 नंबर की स्ट्रिंग ले लेनी है, एंड उसके बाद यहाँ पर लेयर करनी है 235 नंबर की स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग जब आप लेयर करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर ऑक्टेव में ला लीजिए, यहाँ पर U10 एंड U2 भी 0 हो। अब आप टोन को प्ले करेंगे, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर देख लिया हमने कुछ भी एडिट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये स्ट्रिंग इतनी प्यारी बजती है। और बहुत ही प्यारी ये इस टोन के साथ प्ले होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरीके की और टोन आपको मिलती रहेगी तो आप हमारे न्यू बैकअप की जो प्लेलिस्ट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियो वन बाय वन करके मिल जाएगी और आप न्यू बैकअप को भी एडिट कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।